हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। ये पार्ट टू है मेरे ब्लॉग का, शबे मेराज की। तो अभी रात के तकरीबन 12:30 बज चुके हैं, तो अभी मैं जा रही हूँ नमाज पढ़ने के लिए। जो भी नफिल नमाज हमसे जितनी होगी हम उतनी इबादत करेंगे, तो मैं नमाज वगैरह का कुछ भी शूट नहीं कर पाऊंगी। बस ब्लॉग की स्टार्टिंग पार्ट टू की मैंने कर दी, तो देखते हैं क्या क्या शूट हो सकेगा। मैं शूट करूंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो एंड तक जरूर देखना, वीडियो आप लोगों को पसंद जरूर आएगा। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने नफिल नमाज पढ़ ली, अभी बाकी है और भी नमाज है। समीम भी मेरे साथ पढ़ रहा था, बट उनका स्कूल है, सुबह से वो उठा है और एक्चुअली रोज़ा भी था, स्कूल भी गया था, तो काफ़ी टायर्ड हो गया। ट्यूशन भी गया, रोज़ा खुल गया, तो अभी घड़ी में 1:30 बज गया है। तो सॉरी, तो हाँ, तो अभी मैं है ना थोड़ी भूख लगी है, तो देखती हूँ कुछ खाती हूँ, फिर उसके बाद फिर से नमाज पढ़ना शुरू करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे सलातु तौबा की नमाज, सलातु हाजत पढ़ेंगे, और इसके बाद होगा तो सलातु तस्बीह भी इंशा अल्लाह पढ़ेंगे, क्योंकि मैं भी थोड़ा देर सो जाऊंगी, बिकॉज मुझे तहज्जुद भी पढ़नी है। तो देखते, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से जितनी इबादत मैंने अभी करी हो, तस्बीह दरूद सब मैंने पढ़ ली हूँ, सूरह रहमान भी पढ़ ली हूँ। तो बस चलिए थोड़ा सा कुछ खाते, खाने के लिए जैसे यहाँ पर है ना खाला जान के घर से हम लोग को मीठा रवा आया था, तो मैं सोच रही हूँ अभी वो गर्म भी मिठाई के लिए मैंने दूध गर्माई थी, तो वो गर्म है, तो सोच रही थोड़ा सी एक दो स्पून, या आप लोग भी खाइए बिस्मिल्लाह बोल के। चलिए खाते इसे, बिस्मिल्लाह। बहुत ही टेस्टी बनाया है हमने, तो चलिए मैं खाती हूँ, फिर नमाज पढ़ती हूँ, फिर देखती हूँ जो शूट होगा शूट करती हूँ, वरना अगर मैं थोड़ा सो जाऊँगी तो फिर सहरी के वक्त मिलूँगी मैं आपसे। तो फ्रेंड्स, मैं तहज्जुद वगैरह पढ़ ली हूँ अभी फ़िलहाल, आज अल्लाह ने मेरी आँख उठा दी है हमको, वरना मैं तो सो गई थी, उठी नहीं पा रही थी, क्योंकि मैं 2:30 या 2:45 बजे थोड़ा सो गई थी। तो अभी मैंने जल्दी जल्दी खाना गर्म करी, अभी है टाइम सहरी करने के लिए, तो चलिए फटाफट सहरी करते। तो मैम को मैंने अभी उठाई हूँ, पूरा नींद में तो है वो, तो चलिए सहरी करते, सहरी के बाद मिलते हैं आपसे। और किचन में ही बैठकर हम लोग सहरी खाना शुरू कर दें, क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो अल्लाह पाक का एहसान है कि उन्होंने मुझे जगा दिए। एक्चुअली मैं उठ गई थी, बट जैसे हिम्मत नहीं हो रही थी उठने की फिर भी, बट मैंने जैसे टाइम देखे मैंने लिया, अरे बाप रे इतना लेट हो गया है। अल्लाह अच्छा हुआ कि आज का रोज़ा तो बहुत ही बड़ा है और बहुत इम्पोर्टेंट है, अल्लाह हमारे नसीब में तो हमको रोज़ा मिला। सहरी करते फटाफट से खाते, आप लोग भी बिस्मिल्लाह बोल के शुरू कर रही हूँ। मैं खा रही हूँ, मैंने जो चिकन पुलाव बनाई थी उसके साथ अचार है, सैलेड है, यही खा रही हूँ, और जो खाना जान के यहाँ से रवा आया है तो वही हम लोग गर्मा के अभी खा लेंगे। फ्रेंड्स, अभी हो गई है दोपहर, तो मैं काफी हद तक सो गई थी इन लोगों को स्कूल पहुंचाने के बाद। आज मिकाइल के स्कूल में कांड कर दिया है, मिकाइल का 3 लड़कों ने सर फोड़ के लेकर आए। अम्मी जान कब से गई थी स्कूल लाने के लिए, आ रही नहीं आ रही नहीं, तब तमीम आया, तो जब मालूम पड़ा कि इसको किसी ने मारा है, बड़ा सा टेंगुला इसके सर पे आ चुका है। अभी हम लोग ने आए डेस्क वगैरह लगाए है, तो अभी होमवर्क करने बैठे, क्योंकि चोट लग गई है तो वो डीम हो गया एकदम, ऐसे तो दिल तो नहीं कर रहा है उसका होमवर्क, एज यूजुअल रोज का है उसका होमवर्क नहीं करने, और एक माश है इधर बैठे एक्टिंग कर लेके। तो आज का मेन्यू अम्मी जान बनाने वाले, कुछ कुछ चीजें तो रखी हुई है मैंने, कल जैसे चिकन पॉकेट बने तो मैंने फ्रीजर में पहले ही रख दी थी कल के लिए, जैसे कि आज के लिए, हाँ कल के लिए नहीं आज के लिए। तो आज अम्मी जान बनाने वाले है साबूदाने का वड़ा, जो ने ऑलरेडी प्रिपरेशन कर दी मेरे सोने तक, और उसके बाद कांदे का भजिया बनाएंगे और इसके साथ में गुलगुला बनेगा। तो ये सारी चीजें ही आज इफ्तारी में होगी, आज का रोजा है, फिर इंशाल्लाह इसके बाद रखेंगे, अल्लाह ने चाहा तो शबे बारात का रोजा भी रखेंगे, फिर इसके बाद
रमजान बहुत ही करीब है, बहुत सुकून लगेगा रमजान आ जाएगा तो। ऐसे तो हमको रमजान में इबादत नहीं करनी चाहिए, हमेशा करनी चाहिए। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि हमेशा 5 वक्त नमाज पढ़िए और रोजा रखिए, नफिल रोजा भी रख सकते हैं, रमजान के तो फर्ज रोजे हमारे। तो बस यही सारी चीजें होती रहेगी, ये सारी चीजें करते रहेंगे। गाइस अभी मैं सो के उठ गई हूँ, अभी अम्मी जाने पर गुलगुले का बैटर रेडी कर रहे हैं। गुलगुले बनाना तो बहुत सिंपल तरीके से बनता है। आटा ले लो, शक्कर ले लो, इलायची पाउडर, पानी डाल के घोल बना के तलना शुरू कर दो। और एक अलग भी आता है जो हमारे खाला जान बनाते हैं गुड़ का, तो पता नहीं गुलगुले की रेसिपी मैंने डाली हूँ नहीं डाली मुझे तो नहीं याद है, बट अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताना, तो इंशाल्लाह मैं रेसिपी डाल दूँगी। अभी रमज़ान भी आने वाला है तो आप लोग बनाकर खा सकते हैं अफ्तारी में, ठीक है। अम्मी जान का ओके चल रहा है। अभी मेरी नमाज हो गई है असर की, तो यहाँ पर देखिए मिकाइल मेरा बच्चा बेचारा सोया है, उसको बहुत जोर की मारे यार बच्चे ने, दिमाग खराब कर दिए साले लोग ने, क्या करूँ ना बच्चों को। पर छोटे बच्चे देखते कल क्या होता है स्कूल में। और यहाँ पर तम्मी मैं यूजल देखिए ना, खाली मोबाइल, बस मोबाइल है उसको, वो सिर्फ मोबाइल खेलता रहता है। पढ़ाई करता है कि नहीं वो खुद बोलेगा, आप नमाज पढ़ने बोले तो ये चल रहा है उसका। ये चलते किचन के अंदर देखते हैं अम्मी जान का क्या चल रहा है, क्या सीन अप हो रहा है, अम्मी जान क्या कर रही है, जरा देखेंगे अफ्तारी वगैरह का टाइम हो क्या है। अरे बाप रे यहाँ तो अम्मी जान का पुलाव प्रिपरेशन चालू है गाइस, देखिए क्या मस्त मस्त गोल गोल, देखिए ना साबूदाने के हमारे। यही फर्क होता है कि अम्मी जान के पकाने में और अपने पकाने में, यही डिफरेंस है। अम्मी जान के सपोर्ट से मजे मजे की डिश मिलती है, अम्मी जान फुल ऑन लगे काम में, जब तक मैं आराम कर लेती हूँ अम्मी जान काम कर रही है जब तक। अम्मी जान पका रहे हैं अफ्तारी, है ना अम्मी जान। हाय गाइस, कैसे आप लोग, कमेंट करके बताना हमारे भजी और ये हमारे भजी और ये उनका कहने का मतलब है भजिया कैसा बने अम्मी जान के हाथ को वो बताना आप लोग। कांदे के पकोड़े बना रही अम्मी जान। हम चटनी भी बनाएंगे इसके साथ खाने के लिए, चटनी के बिना मजा ही नहीं है। बोलो। हेलो गाइस, देखो हम लोग गुलगुले बना रहे, कितने माशाल्लाह हमारे गुलगुले बन रहे, कितने अच्छे फूक रहे ले देखो। आप भी ट्राई करो, ऐसा बनाने की कोशिश करो, रमजान आ रहा है अभी तो, एक ना एक डिश तो बनाना है डेली, रोज लगेगी 1 से 2 डिश इंशाल्लाह हम लोग डालेंगे, आप लोग भी ट्राई करते रहो उसको। आप लोगों को जैसे मैंने पहले भी बोली हूँ क्लिपसिंग में कि आप लोगों को अगर गुलगुले की रेसिपी चाहिए इतने फूले सॉरी इतने फूले हुए गुलगुले की, अगर आपको रेसिपी चाहिए कमेंट करो गाइस जल्दी जाकर कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और आपको तो पता है अभी रमजान है तो मेरी अम्मी जान से ही रौनक है हमारे घर में, तो गाइस अम्मी जान चाहिए कि नहीं हर ब्लॉग में आपको कमेंट कर मुझे जरूर 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 बताना। बरोबर बोले। यहाँ पर अभी चिकन पॉकेट्स चल रहे हैं अम्मी जान, तो देखिए यहाँ पे ये तो कल का ही रेसिपी, आपको तो पता है रेसिपी, शायद इसकी शॉर्ट्स में आएगी, करीब से भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। गुलगुला तोड़ के बताएंगे आपको कि कैसा बना है, माशाल्लाह माशाल्लाह कितना सॉफ्ट बना है। देखिए ये रेसिपी अगर आपको चाहिए कमेंट करो गाइस, कमेंट करो। फ्रेंड्स अभी यहाँ पर दस्तरखान देखिए लग चुका है, आज जुमेरात था तो हमने चिराग भी रोशन कर दी, अगरबत्ती भी लगा दी है, तो यहाँ पर सारी चीजें सेटअप हो चुकी है। अभी यहाँ पर कोई बैठा नहीं क्योंकि मिकाइल को हम लोग अभी जगा रहे हैं, मिकाइल उठेगा फिर तमीम मिकाइल अम्मी जान हम सब बैठकर फिर रोजा खोलेंगे, दुआएं करेंगे। आप सब भी हमारे लिए दुआएं करें, हम भी आप सभी के लिए दुआएं करेंगे। तो चलिए क्या बोलती पब्लिक, इधर ही व्लॉग को एंड लगा दूं क्या, तो देखते हैं व्लॉग एंड लगाओ लगाओ पब्लिक एंड व्लॉग का इधर।
तमीम क्या बोलते है? नहीं ब्लॉग का एंड नहीं लगाएंगे क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे यहाँ पर एक दरगाह की चादर बनाए हैं यंग जनरेशन बॉयज ने, तो उन्होंने कैसे डेकोरेशन किए कैसे करके लेके जाएंगे तो आगे वो क्लिप्सिंग में आपको देखने मिलेगा। जलालुद्दीन बाबा का आज उरूस है हमारे यहाँ पर, तो दिखा दूंगी मैं आप लोगों को, आप लोग देख लेना, थोड़ी सी क्लिप्सिंग शूट करके नीचे से लेकर आऊंगी तो देखिएगा। आप लोग भी दुआएं करना, हम भी दुआएं जरूर करेंगे, ठीक है? तो चलिए आप लोग भी बिस्मिल्लाह बोलकर अफ्तारी में शिरकत करिए और आप भी इसी तरह रोजा रखिए, नमाज पढ़िए और अल्लाह से गुनाहों की माफी मांगे, इबादत करते रहिए। जैसे शूट करी तो वहां पर चटनी मौजूद नहीं थी, देखिए अम्मी जान ने मजेदार चटनी बनाई है, तो बस यही सारी चीजें यहाँ पर, चिकन पॉकेट से, कांदे का भजिया, साबूदाने का वड़ा, गुलगुला, जूस एंड पाव एंड चटनी, यही खाने वाले। यहाँ पर नीचे हम लोग चले गए तो क्लिप्सिंग शूट करने के लिए, तो यहाँ पर सबसे पहले बेंजो एंड ढोल वगैरह रखा हुआ था, तो सबसे पहले गरीब नवाज सलामी पेश करने आए थे ये लोग, तो इस तरीके से ढोल वगैरह बजा रहे थे और देखिए कितनी मजे से सारे लोग देख रहे, और कितनी भीड़ भी है और माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह इन लोग ने ढोल वगैरह बजाए, बहुत अच्छा लगा। इनका मेथड भी बहुत अच्छा था ढोल वगैरह का, वैसे तो ये सब करना गुनाह की बात होती है बट आजकल कोई नहीं करता है, बट ये सब नहीं करना चाहिए। मुझसे जो हुआ मैंने आप लोगों के लिए शूट करके लेकर आई हूँ, तो ये लोग जो ढोल बजा रहे थे माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बजा रहे थे, अच्छा भी लग रहा था। तो यहाँ पर सलामी पेश हो रही थी हमारे यू के राजा गरीब नवाज को, यहाँ पर उन्होंने गरीब नवाज को चादर वगैरह भी चढ़ाए और काफ़ी हद तक लोगों ने इंजॉय भी किए, तो सारे लोग यहाँ ढोल बज रहा था। तो यहाँ पर देखिए कितना माशाल्लाह यहाँ पर सेटअप लगाए थे चादर लेके जाने का, जलालुद्दीन कादरी की दरगाह पर, माशाल्लाह बहुत जलाली दरगाह है और हमारे घर के बहुत ही करीब थी ये, हम लोग हमेशा वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर सेटअप भी बहुत अच्छा लगता है, दरगाहों की रौनक की तो क्या ही बात करेंगे। तो बस आप लोगों ने ये शूट करी थी, आई होप आप लोगों को। मैं नीचे आई थी तो मैंने यहाँ पर देखे हमारे यहाँ पर दरगाह का एक उरूस है, तो यहाँ पर देखिए कितना माशाल्लाह प्रिपरेशन है, माशाल्लाह जरूर बोलेगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा। तो चलिए इस ब्लॉग को लगाते हैं यहीं पर एंड, बहुत सारी दुआओं के साथ आप भी हमारे लिए दुआएं करें, आपसे मिलेंगे अगले ब्लॉग में, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।